शांतनु, सबसे पहले इस फिल्म के म्यूजिक के बारे में बताएं। सुजीत सरकार जो यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे मेरा ताल्लुकात दिल्ली से है। बहुत काम किया एक साथ दिल्ली, विज्ञापन में हुआ, सुजीत सरकार प्रदीप सरकार के साथ काम करते थे जिन्हें पढ़ने तक आया, तो एक दोस्त हैं हम सब। तो उन्होंने जब यहाँ किया, ये यहाँ पिक्चर बना था पढ़ने तक के पहले, इसके गाने मैंने पहले किए थे, तो बिकॉज साथ में इतना काम किया था उन्होंने, तो वो आए मेरे पास कि फिल्म है यहाँ। मुझे सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगा, एक लव स्टोरी विद नॉन वेस्ट कश्मीर इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट एनीवे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सुजीत सरकार का लुक जो है वो कमाल का लुक है उनका, एक विजुअली ब्रिलियंट है वो। और मुझे यकीन था कि गाने बहुत अच्छा शूट करेंगे, हर म्यूज़िक कंपोजर का यही फियर होता है कि गाने तो अच्छे बन गए या वो शूट कैसे होगा, तो मुझे वो बिल्कुल एक इत्मीनान था कि बहुत अच्छा काम करेंगे। तो यहाँ में तीन गाने हैं मेरे जो गुलजार साहब ने लिखे हैं, दो गाने लिखे हैं, एक नाम अदा लिखना जो टाइटल है, एक गाना है उर्जू उर्जू दुर्कट जो जो अदा है जो कैरेक्टर है वो बच्चों के साथ कश्मीर में वादियों में खेल रही है हंस रही है वो गाना है, और एक वेडिंग एक गाना है वेडिंग बैकड्रॉप में, वो इंपॉर्टेंट पोजीशन में आता है फिल्म में, उसी के बाद एक टेररिस्ट अटैक होता है। तो ये तीन। और शांतनु, आपकी म्यूज़िक जब देखी जाती है, लाइक आजकल भी लोग कहते हैं कि जब शांतनु मोहितवाल म्यूज़िक सुनते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा होती हैं, तो ये क्यों, ऐसा क्यों, आप वो पुराने ट्रैक उठा के क्यों चलते हैं? ओल्ड इज़ गोल्ड। देखिए क्या है कि किसी भी आर्ट फॉर्म में ना रेफरेंस पॉइंट आपको पीछे देखना ही पड़ेगा। रोमांटिसिज्म हुआ, क्लासिक, ये सब जो इमोशंस हैं, इनके हमारे हिस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स होते हैं, और इसलिए बहुत नेचुरल है कि ऐसे ऐसा एक फ्लेवर आए। बट मैं कहीं पे आपसे शायद सहमत नहीं हूँ कि अगर आप हज़ारों ख्वाहिशें देखें तो वो बिल्कुल कोई पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है। एक कमाल का एक मॉडर्निज्म है इसमें, इसमें एक कमाल का मॉडर्निज्म। मेरा जब पहला एल्बम था आपके सामने वो बिल्कुल एक कंटेम्प्रेरी था, बट हाँ एज अ बिकॉज मैं शायद मेलोडी प्रेफर करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मेलोडी, तो एक सेंस ऑफ नॉस्टैल्जिया शायद आता हूँ, बट आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट हाँ ऑब्वियसली वही मैं कह रहा हूँ, डिफरेंस है, लाइक ताक भड़क नहीं है। परिणीता अगर मैं म्यूजिक सुनता हूँ, परिणीता के फ्यू बोले स्पेशली, इट्स सूदिंग। तो आप उस जॉनर में बिलीव करते हैं जो म्यूजिक सुन के हाँ रिलैक्स करना चाहते हैं, या फिर? देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी क्रिएटिव, कोई भी क्रिएटिव आदमी में एक क्या बोलता हूँ मैं, जेनेटिक सिग्नेचर होता है किसी भी क्रिएशन में। वो आप आज का टाइम हो, मॉडर्न हो, कोई भी ब्रीफ हो, वो आपका टच रहेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो टच रहना। यहाँ का जैसे म्यूज़िक है वो बहुत ही कंटेम्प्रेरी है, बहुत मॉडर्न है, पर एट द सेम टाइम एक कहीं पे भीड़ भाड़ नहीं है। एज अ नेचर मुझे भीड़ भाड़ वाले कॉम्पोजिशन पसंद नहीं है एज अ नेचर। किसी दिन किसी फिल्म में अगर ज़रूरत पड़े, डायरेक्टर्स मीडियम है, तो ज़रूर करूँगा। अभी तक मेरे पास सब्जेक्ट आए नहीं। आपके सामने में काफ़ी भीड़ भाड़ था उस गाने में, तो आई थिंक वो परसेप्शन की बात है, दोनों करता हूँ कुछ। जैसे परिणीता भी लोग पहचान गए हैं तो उसमें भीड़ भाड़ नहीं है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि, देखिए अच्छा और बुरा के साथ खालीपन या भीड़ भाड़ का कोई रिश्ता नहीं है, या तो गाना अच्छा है या तो बुरा, मैं कॉन्स्टेंटली बिलीव करता हूँ। आगे देखते हैं क्या होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही है कि शांतनु से हम और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अरे अभी तो शुरुआत है, अभी कॉन्फिडेंस मिला है मुझे परिणीता से इतना कि कई चीज़ें मैं जो शायद एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा था अब मैं करूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं ये मुझे ये बिलीव हो गया कि मार्केट फोर्सेस देख के कोई आर्ट क्रिएट नहीं कर सकता। आप आर्ट क्रिएट करें ऑनेस्टी से, मार्केट फोर्सेस फॉलो करेगा, और परिणीता सबसे बड़ा उदाहरण है उसका। यहाँ का भी जो म्यूज़िक मैंने बनाया है वो क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, वो मैं एडवर्टाइजिंग से हूँ, मुझे पता है कि बियॉन्ड द पॉइंट ज्योतिषी को छोड़कर कोई नहीं बोल सकता कि क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इससे बेटर है कि मैं मुझे क्या यकीन करता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ वो बनाऊँ। एटलीस्ट अगर ना भी चले, मुझे पता लगा था आई डिड समथिंग फॉर माई इंटीग्रिटी, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि आप हर्ड मेंटालिटी में फॉलो नहीं करते? नहीं बिल्कुल, वो ये एडवर्टाइजिंग का सीख है, हमने पोजीशनिंग, ब्रांड पोजीशनिंग सीखते हैं, जहाँ भीड़ है वहाँ से अलग रही है, आपको लोग नोटिस करेंगे। तो और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आगे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मुन्ना भाई पार्ट 2, उसमें बिल्कुल भिन्न है म्यूज़िक, मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो वो एक चैलेंज है मेरे लिए कि एक अपॉर्चुनिटी है डाइवर्स होने का. हर क्रिएटिव आदमी चाहता है डाइवर्सिटी हो. ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए. थैंक यू.